सबको ईद मुबारक। आज ईद है और हम जॉब पे जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग आपको जॉब के बाद बताएंगे। सुबह का मनाजर, आज संडे का दिन है, मॉर्निंग। ईद मुबारक, आज ईद का दिन है और देख सकते हैं जैसे आपकी सुबह सुबह तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है और वी आर गोइंग टू वर्क। देखा जी, ईद के दिन काम किया और अभी छुट्टी हुई है और बस अभी घर की तरफ रवानगी है। सुनाएं आपकी ईद कैसी गुजरी पाकिस्तान में? तो कल ईद है, आज यहाँ हमारे मतलब यूरोप में ईद हुई है और बस हमारा तो जॉब थी आज, तो बस जॉब के साथ ही लगे रहे, तो घर जाते हैं, आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जैसा कि आपको पता है कि मेरी वीकेंड पे जॉब होती है और मैं जॉब पे था, तो आज यहाँ यूरोप में तीसरा दिन है ईद का। यहाँ पर इतनी कंसिडर नहीं की जाती ईद, क्योंकि अभी ऑब्वियसली आपको पता है ये मुस्लिम मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान में आज दूसरा दिन है। चूँकि कल पहला दिन था तो मैं भी जॉब पर था, तो कल पाकिस्तान में खूब लोगों ने अच्छे से ईद मनाई, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सब जगह पर। तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो है ईद का, तो सब लोगों ने कल कुर्बानी की है, अल्लाह पाक सब की कुर्बानियों को कबूल करे और मज़े मज़े के खाने बनाएं, मज़े मज़े के दस्तरखान बिछाएं। बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ईद थी और आज पाकिस्तान में सेकंड है, तो इसीलिए ये ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, अदरवाइज़ ये ईद वाले दिन में अपलोड करता। तो चले, देर आता है, दुरुस्त आता है, कोई नहीं है, ये पार्ट ऑफ दी लाइफ है, ये होता है। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ये जो ईद के दिन होते हैं ना, ये बहुत बहुत बड़े दिन होते हैं। जैसे यहाँ पर ये लोग अपना क्रिसमस होगी, ईस्टर हो गया, ये लोग इंजॉय करते हैं, इनके अपने त्यौहार होते हैं। तो हमारे लिए ये ईद, ये रमज़ान, ये ऐसे त्यौहार होते हैं, हमें अपने मुल्क में हों तो इसका बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आता है, क्योंकि हमारी सारी अपनी कम्युनिटी होती है, हम खूब अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है, रौनकें होती हैं इधर उधर, आगे पीछे बहुत ज़्यादा लोग और बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये जो ख़ास दिन होते हैं ना, इन दिनों के अंदर ना हमें अपने मुल्क की, जितने भी परदेसी लोग हैं जो अपने मुल्क से बाहर हैं, उनको इन दिनों में अपने मुल्क की बहुत याद आती है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट्स कीजिएगा। और बाकी ये है कि बाकी के दिन तो टाइम तो गुजर ही जाता है, क्योंकि यू नो टाइम इज़ फ्लाइंग। तो ये दिन जो होते हैं ना, बहुत याद आते हैं, स्पेशली आप जब कुर्बानी करें और उसके बाद घरों में जाएं, सुबह नाश्ते के अंदर आपकी फ़र्स्ट क्लास जो है ना दस्तरखान सजा होता है, दोपहर में, रात में दोस्तों में बारबेक्यू, ये वो पार्टीज़ वगैरह चलती है, तो बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग बहुत लकी हैं जो अपने घरों में मौजूद हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं। तो इन्जॉय करें और खुश रहें। Control. Control.